चलिए ध्यान दीजिए, ये चैप्टर है स्नैक, डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है। ये स्नेक कहने से ही मालूम चल गया होगा कि इस कविता में एक सांप की गतिविधियों के बारे में किया गया होगा, कि एक सांप का क्या गतिविधि रहता है। ये एक बार की एक घटना है डीएच लॉरेंस के साथ। ये गर्मी का दिन था, उनको अचानक ही प्यास महसूस होता है और वे बाहर निकलते हैं और एक सांप को भी लगता है कि प्यास महसूस हो रहा है। वो भी सांप जो भी है क्या कर रहा है, बाहर निकला हुआ है, क्या करने के लिए हो, पानी पीने के लिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग और कीजिएगा, यहाँ का है। अच्छा, ये डीएच लॉरेंस का जन्म कब हुआ था? 1885 में, याद है? यस सर जी, 1885 और 1930 में ये डेथ कर गए। यहाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, अ स्नेक केम टू माय वाटर ट्रफ ऑन अ हॉट हॉट डे एंड आई इन पैजामा फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड सैच ऑफ द ग्रेट डार्क कैरो ट्री। यहाँ कवि क्या कह रहा है कि गर्मी का ही दिन था और गर्मी भी लग रहा था, गर्मी का दिन था, गर्मी लग रहा था, एक जो सांप था मेरे नाद के पास, यानी जो जहां ये जो मान लीजिए ये नाद है इस तरह से, और इस नाद के पास आया था, कौन आया था, एक सांप आया था और मुझे भी प्यास लगी थी ऐसा महसूस हुआ और मैं भी पैजामा में ही, यानी पैजामा पहन, ट्राउजर समझ रहे ना, पैजामा पहनकर ही, वो पैजामा कभी क्यों पहना था, गर्मी से, गर्मी की वजह से, गर्मी से बचने के लिए पैजामा पहना हुआ था, ट्राउजर पहना हुआ था, और वो भी टू ड्रिंक देयर, वहां क्या करने के लिए आया, पानी पीने के लिए पहुंचा था, कौन, कभी उदय में क्या था, लेकिन कभी कभी मानना है वो भी वहां पानी पीने के लिए आया था। अब कवि जो है ये सोच रहा है कि इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड साइड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरो ट्री, ये जो कैरो ट्री होता है, जो झाड़ीदार होता है, ठीक है, और इसमें से इसका विचित्र सुगंध के वजह से इसका मतलब है कि इन अंधेरों में से ये जो सांप शायद आया हो, इनका ऐसा अनुमान है, इनका कवि का, कि ये जो सांप इन अंधेरों में से, इन पेड़ों के अंधेरों में से शायद आया हो, और आई केम डाउन अ स्टेप विथ माय पिचर, और मैं भी आया हूं, ये तो इस अंधेरों में से आया है, मैं भी कहां सीढ़ियों से नीचे उतरा हूं, किसके साथ, घड़े के साथ, अपने घड़े को लेकर, ये घड़ा यानी जग वगैरह लिया है, लोग कभी पानी पीने जा रहे तो जग वगैरह गिलास वगैरह जो भी है लिया हुआ, उसके साथ मैं भी आया हूं, लेकिन एंड मस्ट वेट, मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर दियर ही वॉज ए ट्रॉफ थ्रू ड्रॉफ बिफोर मी। गौर कीजिएगा यहां पर कवि कह रहा है कि ये तो अंधेरे में से सांप आया है, लेकिन मैं भी सीढ़ियों के सहारे अपने पीछे पीछे करने का मतलब घड़ा या जंग वगैरह लेकर के मैं भी क्या हुआ हूं, आया हुआ हूं, और मैं भी क्या प्रतीक्षा करने लगा, और अवश्य ही खड़ा हो गया, खड़ा होकर मैं प्रतीक्षा करने लगा वहां पर, क्योंकि ही वॉज एट द ड्रॉप बिफोर मी, क्योंकि वो जो सांप था मुझसे पहले वहां उस नाद के पास आया हुआ था। कभी उस सांप को मानवीय दृष्टिकोण से देख रहा है, कभी ये बताना चाह रहा है कि मान लीजिए मैं उसको, मेरा जो उसको देखने का नजरिया अलग है, कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं कि सांप अगर होता तो तुरंत देखते तो तुरंत मार के भगा देते, लेकिन कभी इंतजार करने लगा, इंतजार ये सोचकर करने लगा कि वो पहले आया है तब उसका अधिकार पहले बनता है, जब मैं बाद में आया हूं तो वो पानी पी के जाएगा तब मैं वहां से बढ़ूंगा। जैसे एक इंसान आगे किसी चीज के लिए लाइन में लगा रहता है तो दूसरा व्यक्ति आता है उसके पीछे का आता है, खड़ा हो जाता है, उसी तरह से कभी भी जो था सांप के बगल में खड़ा हो गया, उसको मान लिया कि वो पहले आने वाला व्यक्ति है, यानी वो पहले पिएगा,
उसके बाद मैं पीऊंगा। इसलिए कवि जो है क्या करने लगा, इंतजार करने लगा। किसको इंतजार करने लगा? सांप को, पानी पीने का, पानी पी ले और चले जाए। लेकिन अब वहां कवि जो है इंतजार करने में अब सांप के गतिविधियों को देखने लगा। सांप क्या करता है, कैसे पीता है, ठीक है, अपने सिर को कैसे हिला रहा है, क्या कर, सारे चीजों को, सारे गतिविधियों को क्या कर रहा है, देख रहा है। कौन? कवि डीएच लॉरेंस। देखिए यहां कवि जो है ये चीज को जिक्र किया, ध्यान दीजिएगा। He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom and trailed his yellow brown slackness soft blade down over the edge of the earthen trough and rested his throat upon the stone button। कभी ये बता रहा है कि ये जो सांप जो है वहां पहुंचा था, पहुंचा तो था लेकिन कहां से आया था, एक बीड़ से आया हुआ था। एक वीर से, एक दरार से आया हुआ, एक वीर से आया हुआ था इन द अर्थ वाल, यानी कहा ये जो भूमि में जो बिल है इसमें से वो सांप आया हुआ था। और ये जो बिल था कैसा था, अंधकार में था। कोई भी बिल जो होता है, अंदर बिल होगा तो अंधकार, उसमें लाइट वगैरह नहीं लगे, मरकरी वगैरह जल रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, तो अंधकार में से आया हुआ था। एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट ब्लेड डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रॉप एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बटन। कभी यहां कह रहा है कि अब जब वो बाहर आया तो जो सांप जो था अपने जो येलो कलर का जो शरीर था, इस शरीर को क्या कर रहा था, हल्का धीमी गति से पीछे कर रहा था, धीरे धीरे पीछे आगे कर रहा था। और फिर क्या किया कि यानी जो ये नाद है, इस नाद के किनारे पर जाकर के अपने इस नाद के किनारे वाला जो पत्थर है इस पर क्या किया, अपने शरीर को अपने क्या किया, रोक दिया, उसी पर होकर के रखा और कह रहा एंड रेस्टेड है, आराम किया। और हिज थ्रोट अपने गले को क्या किया, इसके तले यानी तले का करने बटन, तले यानी नीचे का दृश्य होता, वहां पर जाकर के क्या करने लगा। सांप है, सांप कभी स्थिर नहीं रह सकता है, कभी ऊपर चढ़ेगा तो कभी नीचे आएगा, कभी फिर पत्थर के नीचे सोचेगा। तो वही सांप की गतिविधियां जो है वो कभी यहाँ पर, कभी लगता है कि अपना शरीर रख करके, शरीर रख करके क्या होता है, कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है। ये कवि दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने सांप क्या क्या वहां पर कर रहा था नल के पास। ये नहीं कि नल के पास आदमी जैसा आया, हाँ पानी पिया, हाँ बस चल दिया, अब तू आ जा पी के चल जा, ऐसा नहीं कर रहा था। वो सांप था, वो आया अपना जो गतिविधि करना था, जो स्थिर रह नहीं सकता था, वो आया देखा, फिर इधर उधर देखा था, मवेशियों जैसा पानी पीने का काम कर रहा था, और अपने जो सिर था उस सिर को अपने गले को क्या किया, उसे बटन तले इसके निचले हिस्से पर रख दिया। यहां कह रहा है एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप इन अ स्मॉल चिल्ड्रेंस ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ softly drank through his straight gums into his gums into his slack long body silently। देखिए कवि कह रहा है कि वो जो सांप जो था वहां जहां पानी के बूंदे गिर रही थी, वहां जो कहा क्या हो रही थी, पानी के बूंदे, मान के चलिए ये यहां से एक टैप गिरता है, नल होता है, इस नल से क्या होता है पानी के बूंदे गिरती है, तो पानी के बूंदे गिर रही थी और उस बूंदे पानी के बूंदे जो आ भी रही थी तो कहा एक छोटे से रास्ते से, ये नल हाईवे किया है तो ये नल जो है पूरा इतने ही की नदी है, नल है, वहां से पानी के बूंदे गिर रही थी और सांप जो है वहीं पर क्या कर रहा था, ट्रॉप के पास जा करके ही सीप विद हिज स्ट्रेट माउथ अपने मुंह को सीधा कर करके क्या करता, चुस्की से पानी पी रहा था। कौन? सांप चुस्की से पानी पी रहा था। Softly drank, धीरे धीरे वो पानी को पीते जा रहा था। And his strength, gums, gums क्या कम करने वाला, उसका गला या जो बॉडी होती है ऊपर शरीर जो यहाँ भाग होता है इसको बोला जाता है ऊपरी हिस्सा को, इसको कर सकते हैं गला कर सकते हैं या गर्दन कर सकते हैं, जो गर्दन को क्या किया धीरे धीरे सीधा कर रहा था और स्लैक्स लॉन्ग बॉडी और अपने लंबे शरीर को भी क्या कर रहा था, शांत रूप से रख रहा था और साइलेंटली शांति पूर्वक क्या कर रहा था,
पानी पी रहा था। कौन? सांप। लेकिन कवि क्या सोच रहा है? कवि ये कह रहा है कि समवन वाज बिफोर मी, कोई तो था जो मेरे पहले था वहां, यानी वो कौन था? सांप था। एट माई ट्रॉप, मेरे नाद के पार, मेरे नाद पर मेज से पहले कोई आया हुआ था पानी पीने के लिए, और मुझे क्या करना पड़ा? इंतजार करना पड़ा। और मैंने कहा एंड आई लाइक अ सेकंड कमर वेटिंग, और मैं जो था दूसरे व्यक्ति के तरह, दूसरे व्यक्ति को मान करके उसके जैसा इंतजार कर रहा था। यानी ये पहले आ गया था तो पी रहा था, मैं दूसरा व्यक्ति था मैंने इससे पहली बार आने वाला, तो मैं क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था। कभी इस चीज को बता रहा है, यानी कह रहा है कि सांप पहले आया था, बाद में मैं आया, इसके वजह से मैं क्या करने लगा? उसके गतिविधियों को देखने लगा, उसके पानी पीने का इंतजार करने लगा। अब यहां पर अच्छा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा इस चीजों को, क्या कहा जा रहा है कि ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू। यानी वे जो सांप जो था, सांप जो था क्या कर करके, सांप जो था पानी पी करके अपने सिर को ऊपर उठाता था, जैसा कि एज कैटल, जैसा कि मवेशी करते हैं। yes. समझ रहे? जय हाँ, मवेशी भी जैसे पानी पीता है और अपने गर्दन को ऐसे ऊपर उठाता है, देखता है, फिर पीता है, उसी तरह से सांप भी पानी पी रहा था और पी करके अपने सिर को क्या कर रहा था? ऊपर उठा करके आस पे, क्योंकि स्त्री नहीं इंसान का करता, इंसान भी तो देखते हैं चाय पीता है, चाय पिएगा फिर इसे अपना बात करेगा, उसी तरह से जानवर जो होते हैं आराम से, अभी नहीं कि सब मुड़ी गोते तब पूरा भर ही पी लिए बस चल दिए, ऐसा नहीं। सांप जो था क्या कर रहा था? पानी पी रहा था और अपने पानी पी करके का सर को ऊपर उठा रहा था, जैसा कि मवेशी करते थे, मवेशी उठाते, मवेशी समझ रहे ना, ये जैसे गाय वगैरह हो गया और जो जो हो गया पानी पीकर, वो लोग भी अपना क्या करता है, सिर को ऊपर उठाता है। एंड लुक्ड एट मी, और वो जो सांप जो था किस पर देखा? वैगुअली, सरसरी नजर से मुझे देखा। सरसरी नजर से कहने का मतलब हुआ कि ज्यादा ध्यान से नहीं, अस्पष्ट रूप से, जिसे कहने का मतलब कि जैसे सांप जैसे पानी पीकर को ऊपर सिर को उठाया, एक नजर नहीं सा देख लेता है, फिर अपना जाकर के ध्यान नहीं देता, क्या कर लेता है। तो उस कवि को लगा कि सांप हमको क्या किया? देखा। और आप जब स्थिर खड़ा रहेगा तो सांप थोड़ा जान रहे कि क्या है, इंसान है कि मूर्ति है, उतना ध्यान है, क्योंकि उन लोग सोचने की शक्ति नहीं होती है। जैसे आपको मैं अच्छा नेहरू जी वाला कहानी में अगर बताया था कि गिलहरी जब वो स्थिर बैठ करके पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था चैप्टर, स्थिर जब पढ़ते थे, हाँ जब फर्स्ट ईयर में उससे ये बताया था कि जब बैठ करके पढ़ते थे तो कभी कभी हिलवे नहीं करते थे, खाली पलके झलकती थी, और गिलहरियां उनके शरीर पर उनके पैर पर आकर कर बैठ जाती थी, देखती थी। और क्या होता था कि जब देखती थी तो अचानक उसको तो महसूस होता था कि या तो लकड़ी है, नहीं तो मूर्ति है, नहीं तो पेड़ है, ये सोचती थी। लेकिन हुआ क्या कि अचानक जब उसके आंखों में जब देखी गिलहरी, तब पलक झपक रहा है, गिलहरी क्या हो जाती है? डर जाती है, और डर करके फिर काल अचानक ही भाग जाती है। और उसी तरह से यहाँ जो है सांप देखा होगा लेकिन उसको उतना ध्यान नहीं दिया गया, एकदम अस्पष्ट रूप से सतर्क नजर से देखा, ड्रिंकिंग कैटल डू, और वैसे व्यवहार करता है जैसा कि जानवर जो होते हैं पानी पीते समय करते हैं, जानवर भी वही काम करते हैं, पानी पिएंगे, सिर को फिर ऊपर उठाएंगे, फिर पानी पिएंगे। आप लोग तो नदियों में देखे होंगे, चाहे जो बाल्टी से जानवरों को पानी पिया हो, देखना कि एक बार में एक बाल्टी अगर पी लिया तो फिर दूसरा का बाल्टी लाएगा तो देखिएगा तब तक सिर को क्या करता है, ऊपर उठाता है। जैसे सांप पानी पी लिया और उसको व्यवहार, और मेरे तरफ सरसरी नजर से देखा, जैसे कि जानवर भी अक्सर इधर उधर देखा करते थे। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉर्ब टंग फ्रॉम हिज लिप्स, और वो क्या किया कि अपनी ये जो नुकीले जीभ थे, जीभ होता है ये, जीभ जो था जीभ, उसको क्या किया? लहराया।
तकिया लहराया, बाहर निकाला अपने होठों तक, यानी होठ से लेकर के आया। जैसे हम लोग होठ से आने का मतलब ये हो सकता है कि उसके जैसे जीभ वगैरह में यहाँ पर पानी होने लगा होगा, उसको क्या कर रहा होगा, चूस रहा होगा। जैसे आप लोग भी किए होंगे, याद है कि नहीं, हमको तो याद है कि लग रहा है आप लोग किया होगा। जैसे मान लो बचपन में याद, जब एक साल या सवा साल का होगा तो ऊपर से मंदिर यहाँ तक आता था, हाँ, और यहाँ जब आता था तब इसे मम्मी से कहते थोड़े थे पहले जीव जा, ये काम करता था। अब इन लोग अगर देखो, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो दुनिया का हर इंसान किया होता है, अब भले कोई माने चाहे ना माने, ये बचपन में हुआ होगा। तो यहाँ अभी मान लीजिए मेरा छोटा बच्चा है, तो हाँ, तो मेरा छोटा बच्चा है वो करता है, जैसे मान लीजिए उसको अभी ये शिक्षा नहीं है कि उसको क्या करना है, पूछना है कि साफ करना है, तो साफ करने से अच्छा सोचता है, उसका आदत भी बता रहे क्यों ऐसा होता है, तर्क दीजिएगा इसका क्यों होता है। कि हम लोग जब खाना बचपन में खाना खाते हैं तो बच्चा जो डायरेक्ट मुंह में नहीं लेता बल्कि यहाँ वहाँ लग जाता है, तो अपने जीभ से क्या करता है, खींचने की कोशिश करता है, वही यहाँ पर लटका तो उसको भी सोचता है कुछ है, उसको जीभ से क्या करना है, खींचना है, और अपना जीभ को ऊपर खींच करके तो अंदर ले लेता है। प्राकृतिक गुण है ना, तो जीभ निकाल कर ऐसे चालू करता है, हाँ, लेकिन यहाँ प्राकृतिक मेरा यही, लेकिन कभी महसूस करा कि वो अपने होठों को लग रहा था, क्या कर रहा था, चाट रहा था, देख रहा था, खींच रहा था, लेकिन एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, और कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए इंतजार क्या किया, सोचने लगा, विचार करने लगा, कौन साफ, जब पानी पिया फिर ऊपर ऐसे किया, जीभ को लहराया, कुछ समय के लिए अब विचार करने लगा, अब विचार करने के साथ ही क्या किया कि अंडरस्टूड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, फिर झुका और थोड़ा सा और पानी पिया, फिर झुका और थोड़ा सा और क्या किया, पानी पिया, कौन साफ, यहां पर है Being earth brown, earth golden from the burning balls of the earth on the day of Sicilian July with इतना smoking, यानी जो ये सांप था ऐसा ब्राउन कलर का लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसा कि पृथ्वी का कलर हो, हीट, जब पृथ्वी का जो ऐसा रंग होता है, जब गर्म जहाँ ज्यादा तापमान होती है, अधिक गर्मी होती है, तो सुनहरा रंग की पृथ्वी हो जाती है, उसी तरह से कौन चमक रहा था, सांप भी लग रहा था, और लग रहा था कि उसी पृथ्वी के बिल से वो क्या हुआ है, आया हुआ है, और सही में उससे आया हुआ है। इसलिए कभी जो है उस सांप के कलर का तुलना किसे करा है, पृथ्वी के कलर के तुलना कर रहा है, और उस पृथ्वी को, वहां की पृथ्वी की जहाँ तापमान अधिक होती है और जो मिट्टी होती है क्या होती है, ब्राउन कलर का हो जाती है। सिसिली एक जगह का नाम, वहीं पर सिसिलियन जहां नाम दे रहा है कि सिसिलियन के जो डे होता है, सिसिलिया जो होता है जुलाई में थे, इतना स्मोकिंग जुलाई में खास करके वहां ज्यादा स्मोकिंग का मतलब धूम्रपान नहीं, गर्मी होती है अत्यधिक आती है, गर्मी होती थी, गर्मी होने का मतलब यहाँ कहीं कहीं लगता था कि आग निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, स्मोक का मतलब यहाँ धुआं निकलने के बात करने का मतलब है कि वहाँ गर्मी को दर्शाने के लिए स्मोक का प्रयोग किया गया है, कि जहाँ लग रहा है कि इतना लगता था कि वहाँ पर क्या निकल रहा है, ज्वालामुखी आग निकल रहा है, इस सब के लिए इसका प्रयोग किया गया है, वहां लग रहा है कि क्या निकल रहा है, आग निकल रहा है। इतना बड़ा सा भी लग रहा है, यूट्यूब वापस से लिया, हाँ यूट्यूब वापस से लिया, पहले हम बोलते थे तो यही आता था, फिर से लिया कि नहीं लिया, लेकिन अब तो तस्वीर लिया है, ध्यान दीजिए आप लोग के टाइम में सब व्यवस्था नहीं था, इतना बड़ा सा नहीं। The voice of my education said to me, देखिए आगे कवि क्या कर रहा है, बेचारा खड़ा होकर सारे सांप का गतिविधियां तो देख रहा था, लेकिन कह रहा है कि द वॉइस वे आवाजें जो मेरी शिक्षा की जो आवाजें थी, से तू भी मुझसे कहने लगी, he must be killed, उसे अवश्य मार देना चाहिए, यानी किसे, सांप को, सांप को अवश्य मार देना चाहिए, ये दुनिया का रीत हम लोग मानते हैं, यानी देखिए ये सांप को दर्शाने का मकसद यह हुआ है कि हम लोग बचपन से यही देखते आ रहे हैं, ये कहीं किताबों में नहीं लिखा हुआ कि आप देखिए सांप तो मार दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये सामाजिक ज्ञान हम लोग को मिला हुआ है, सांप बिच्छू जो जहरीले चीज होते हैं उसको हम लोग देखते हैं और तुरंत उस पर क्या करते हैं, टूट पड़ते हैं, इसलिए इंसान जो होता है फ्यूचर में आने वाली घटना से बचने के लिए,
पहले ही सोचता है उसको समाप्त कर दे, वर्तमान को देखते हुए समाप्त कर देता है। आपके घर में अगर बिच्छू मिल जाए बेचारी कुछ ना किसी को करे, लेकिन देख लिए तो कहीं तुरंत मारते हैं, कहीं दूसरा को मत मार देते। अब बिच्छू जो होती है कभी भी कोई भी जीव होता है डायरेक्ट आपको अटैक नहीं कर सकता है, जब तक आप उसे टच ना करें, जब तक आप उसे टकराए नहीं तब तक वो आपको क्या नहीं कर सकता है, टच काट नहीं सकता है। यहाँ देखिए, अच्छा आप लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, मतलब सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इस तरह से पूरा पोयम जो है आप लोग यूट्यूब पर चैनल पर मिलेगा। नहीं देखिए आप लोग लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, क्या होगा, इतना तो अधिकार आप लोग का बनता है। ध्यान दीजिए, नहीं कमेंट कर दीजिएगा, अगर वीडियो साफ ना आए तो बोलिएगा सर साफ नहीं आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं आगे चल करके। इसी तरह से सिंपल मोबाइल है, 2-4 हजार कोशिश से बना रहे, कैमरा हम भी मंगा देंगे धीरे धीरे। आगे आगे ध्यान ध्यान दो, ध्यान दो। देखिए यहाँ पर क्या करे कि फॉर इन सिसिली, सिसिली में द ब्लैक ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट। गौर कीजिएगा, सिसिली जो जगह है वहां पर जो ब्लैक सांप होता है वो कैसा होता है, इनोसेंट होता है, निर्दोष होता है, जहरीला नहीं होता बल्कि काटता नहीं है। एंड द गोल्ड, गोल्ड समझ रहे ना, भूरे कलर का सुनहरा सांप होता है, पीला कलर का जो सांप होता है, आर रेनोमाउस कैसा होता है, रेनोमाउस जहरीला होता है, कैसा होता है जी, जहरीला होता है, जिसमें ये जो इस टाइप के जो सांप होता है उसका होता है जहरीला होता है। सर ये भी जहरीला है जिसको मार रहा है। हाँ, एंड वॉइस इन मी सेड, फिर जो है आवाजें मेरे मन में कहने लगी, उत्पन्न होने लगी, इफ यू आर अ मैन, यदि तुम एक मर्द हो, यू वुड टेक अ स्टिक, तुम एक डंडा लो, एंड ब्रेक हिम, उसे मार डालो, एंड फिनिश हिम ऑफ, उसे समाप्त कर डालो, किसे, सांप को। यानी कौन कहने लगा, कभी को कौन कहने लगा, कभी के मन में ऐसा क्या होने लगा, विचार उत्पन्न होने लगा, क्योंकि वे समाज में रह चुका था, समाज के गतिविधियों को जानता था, समाज के व्यवहार के बारे में समझता था कि लोग जो है सांप को क्या करते हैं, मार देते हैं, मारने का काम करते है, इसलिए कभी जो है इस चीज को जिक्र कर रहा है। बट मस्ट कन्फेस हाउ लाइक हिम, लेकिन मैं कैसे बताऊं, मैं इसे स्वीकारता हूं कि ये जो सांप को मैं कितना चाहता हूं, मुझे ये स्वीकार है, मैं कैसे उसको बताऊं कि सांप मेरे लिए कितना पसंदीदा है, हाउ ग्लेड, मैं कितना खुश हूं, आई वॉच ही हैड कम लाइक अ गेस्ट, मैं इतना खुश हूं कि वो जो सांप है एक अतिथि के रूप में मेरे यहां आया है। एंड ड्रिंक एट माई वाटर ट्रोप, और पानी पी रहा किसमें, मेरे ही नाद में, जो पानी रखा गया है उसी में वो पानी पी रहा है, वो अतिथि के रूप में आया है, और मैं उसे मार दूं, मुझे तो उसे देख करके क्या हो रही है, खुशी महसूस हो रही है, मुझे रियल में नहीं मारना है, इसके मन में ये भी जा रहा है क्यों मारूं, लेकिन जो सामाजिक ज्ञान है वो कह रहा है कि उसे मार डालो, लेकिन कभी के मन में ख्याल आ रहा है कि नहीं उसे क्यों मारू, मैं तो उससे खुश हूं, बल्कि यह कह रहा है कि एंड ही डिपार्ट पीसफुली पैसिफाइड एंड थैंकलेस इनटू द बर्निंग वॉर्म्थ ऑफ दिस अर्थ। फिर वे जो सांप था रवाना होने लगा शांतिपूर्वक, धीरे से बिना धन्यवाद कहे, क्या कर करके, पानी पी कर करके उसी बिल में जाने लगा, जो जलता हुआ जो तापमान लग रहा था, गर्मी की वजह से ताप रहा था, इसी बिल में ये सांप क्या होने लगा, जाने लगा। कभी जो है करा कि तो भाई गया नहीं, जाने लगा, ये कभी कह रहा है, और मैं उसे क्यों मारूं, उसने मेरा क्या किया है, बिगाड़ा है। ध्यान दीजिएगा, वाज इट Cowardice that I dare not kill him. कभी कह रहा है कि
उसको ऐसे क्या तुम डर गए हो दैट आई डेयर नॉट किल हिम, मेरी हिम्मत नहीं हुई उसे क्या करने की, मारने की, उस सांप को मुझे मारने की हिम्मत नहीं हुई। वॉच इट फॉर अ सिटी दैट आई लव टू टॉक टू हिम, क्या मेरा ये गलत विचार था, ये भावना था कि मैं उससे क्या करना चाहता था, बातें करना चाहता था, बातें करने के लिए इच्छुक था, इससे सांप से मैं बातें करने के लिए इच्छुक था, क्या मैं डरा हुआ था, यानी क्या ये मेरा पागलपन था, ये कभी सोच रहा है कि मैं तो सोच रहा हूं कि बात करूं, उसके अंदर जो बातें क्या वो सोच रहा है कि क्या मैं पागल, मेरी पागलपन थी। वाज आई ह्यूमिलिटी, ये क्या ये जो मेरी मानवीय गुण जो था टू फील ये महसूस किया, सो ऑनर्ड, क्या किया, ज्यादा उसको सम्मान दिया, किसको, सांप को सम्मानित किया, सम्मानित करने का मतलब है कि उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, अतिथि के रूप में माना, आई फेल्ट सो ऑनर्ड और मैं ज्यादा सम्मानित किया, मैं कैसे सम्मानित कर रहा था उसको, बहुत ज्यादा सम्मानित कर रहा था, एंड येट दुज वॉइस, और फिर भी ये आवाजें जो है मेरे मन में क्या होने लगे, आने लगी कि इफ यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट यू वुड किल हिम, यदि तुम डरे हुए नहीं हो, यदि तुम उस सांप से नहीं डरते हो तो यू वुड किल हिम, उसे क्या करो, मार दो, अगर तुम नहीं डर रहे हो तो सांप को क्या करो जी, मार दो। ट्रूली सच में आई वॉज अफ्रेड, मैं कहा था डरा हुआ था, कभी कह रहा है मैं सच में डरा हुआ था, आई वॉज मस्ट अफ्रेड, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, किसे, उस सांप से, यानी कह रहा कि मैं सच में डरा हुआ था और मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, किसे, उस सांप को देख करके डरा हुआ था, बट इवन सो किंतु फिर भी ऑनर्ड स्टिल मोर, फिर भी मैं उसे अधिक सम्मान दिया, डरा हुआ था फिर भी मैं उसको डिस्टर्ब नहीं किया, ना भगाने की कोशिश किया, that he should seek my hospitality from out the dark door of this secret earth, और फिर जो था इसको लगा कि जरूर ही ऐसा हुआ होगा, ये जो मेरे आतिथ्य है वो कहां से आया होगा, इस रहस्यमय बिल से बाहर आया हो, मेरा ये कह रहा है कि मेरा एकदम ये कंफर्म लग रहा है कि मैं जरूर ऐसा ही होगा, ये जो मेरे अतिथि के रूप में जो सांप आया है वो कहां से आया हो, इस बिल से, ये रहस्यमय बिल से, इसके बारे में कि अंदर में क्या है नहीं कोई जान है नहीं रहा, जरूर कि यहां से आया हो। आगे कल, क्योंकि एक दिन में समाप्त भी नहीं होगा, यहाँ पर इसीलिए मैं टॉपिक को छोड़ दिया, एक दिन में समाप्त भी नहीं होगा, ठीक ना, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे।